नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे कि आलू पर मिट्टी कैसे चढ़ाया जाता है। इससे आलू की उपज अच्छी होती है और आलू बड़े बड़े होते हैं। देखिए किस प्रकार हम इस पे पहले तो आलू जो उगाया है उसको किस प्रकार हम फेर रहे हैं नालियों से, और उसके बाद कुदाल से उसमें का मिट्टी झोड़ेंगे। मिट्टी झोड़ने के बाद आगे का प्रोसेस भी बताते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो आते रहेगा आगे भी खेती संबंधित। नाली को झोड़ने के बाद मिट्टी को पैरों से ही मलना है। देखिए हम किस प्रकार मल रहे हैं। ऐसा मलने से मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। उसके बाद उदार से दोनों मेड़ पे, दोनों ओर थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी चढ़ाना है। देखिए हम किस प्रकार चढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आराम आराम से माटी इस मेड़ से उस मोड़ पे नहीं जाना चाहिए, उस मोड़ के उधर नहीं जाना चाहिए, मोड़ पे जाना चाहिए। इस प्रकार जा कर रहे हैं हम। देखिए धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी करना है। धीरे धीरे इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पूरा मिट्टी साफ साफ उठाना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे मिट्टी उठा करके और उस मिट्टी को उसी मेड़ में थाप देना है। इस प्रकार से देखिए हम कुदाल के उस ओर से उसको थाप रहे हैं। वैसे ही आपको भी थाप देना है। देखिए कैसे थाप रहे हैं। ऐसा करने से आलू बढ़िया आएगा और बड़ा बड़ा आएगा। ऐसे ही करके आप लोग भी करिए। ऐसे ही हमने भी किया है। और देखिए ऐसे ही करके हमने पूरा खेत में माटी चढ़ा दिया है। ये देखिए हमारा पूरा खेत। ये खेत हमारा 3 कट्ठा है, भोजपुरी में 1 कट्ठा कहते हैं या फिर गुट्ठा कहते हैं। इसको 10 या 12 डेसीमिल भी कहा जाता है। एक एक लाइन देखिए कितना बारीकी से हमने इस पे माटी चढ़ा दिया है। ऐसे आप लोग भी माटी चढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप लोग बारीकी से देख लेंगे। ऐसे ही करके सारे नाली हम भर दिए हैं। इसे भरने में 2 जन लगे थे, एक हम थे और एक और लड़का था हमारे साथ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस पे मिट्टी लगाने के बाद, मिट्टी चढ़ाने के बाद। ऐसे ही आप लोग भी करिए। इससे आप लोग का आलू का उपज बढ़ेगा, आलू में वजन आएंगे, आलू बड़े बड़े होंगे। ये देखिए दूर से हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इसमें हमने गोबर का खाद दिया था, बहुत ज़्यादा गोबर का खाद दिया था, और वही गोबर का खाद उस उधर दिख रहा है। गोबर का खाद देने से और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा आलू होता है। और इसमें हमने खाद पोटाश प्रति कट्ठा 2 किलो पोटाश, 2 किलो डाई DAP और बोरोन भी इसमें हमने 75-750 ग्राम दिया था इसमें बोरोन। और गोबर का खाद तो ज़्यादा दिए थे। देखिए
और ये जो हम देख रहे हैं आप, ये 5 दिन पहले का है। देखिए इस प्रकार पूरा खेत दिखने लगेगा। और ये अभी का है जो कि हम लोग बना भरे थे, और वो 5-10 दिन पुराना है। ऐसे ही सब हो जाएगा। देखिए हम किस प्रकार नाली भी इसमें है, ये हमारा सब लाइन है जिसमें पानी छोड़ा जाएगा, और उस नाली से इस नाली में पानी जाएगा, और फिर उस नाली में पानी जाएगा, और उस नाली से पूरा खेत में जाएगा। उधर का नाली और इधर का नाली पट जाएगा, सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी नाली होने से। इसी प्रकार से ये सब दो सब नाली दे दिए हम, ताकि एक नाली अगर पानी बहने लगता है तो दूसरा सब नाली काम करेगा, इसलिए हमने दो सब नाली दिया है ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब के लिए धन्यवाद।